हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप तला भुना और मसालेदार खाना खाकर थक चुके हो तो मैं आपके साथ आज बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी शेयर करूंगी। इसे मैंने बहुत ही कम तेल में बनाया है और ये बनकर बहुत ही अच्छा तैयार हुई है। इस खाने में बहुत ही चटपटी और टेस्टी बनकर तैयार हुई है। तो ये बहुत ही लाइट वेट है, इसे मैंने किस तरीके से बनाया है चलिए आगे वीडियो में देख लेते हैं। और मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देख लेते हैं कि टेस्टी ओट्स चीला बनाने के लिए मैंने किन किन चीज़ों को लिया है। मैंने एक कटोरी ओट्स लिया है, एक कटोरी मैंने दही लिया है, आधा टमाटर कटा हुआ लिया है, एक मैंने प्याज को कद्दूकस करके लिया है, आधा मैंने गाजर घस कर लिया है, 2 चम्मच मैंने धनिया पत्ती लिया है, आधा इंच के करीब मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है जिसे मैंने पहले से कद्दूकस कर लिया है, 2 हरी मिर्च लिया है, 3 लहसुन की कली ली है मैंने, आधा चम्मच मैंने काला नमक लिया है और 1 पिंच मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है। पहले मैं कढ़ाई को गैस पर रख कर ओट्स को थोड़ा सा मैं रोस्ट कर लूँगी। हमारा ये ओट्स भुन चुका है, अब मैं इसे प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लूंगी। इसे थोड़ी देर हम ठंडा करने के बाद इसे मिक्सी में पीस लेंगे। इसे मिक्सी जार में हम डाल देंगे और इसमें दही को डाल देंगे जो अदरक को मैंने कद्दूकस करके रखा था उसे डाल देंगे। लहसुन की 3 कली जो मैंने लिए थे उसे डाल देंगे, हरी मिर्च को भी डाल देंगे। आपको अगर तीखा पसंद है तो आप 2 डाल सकते हैं, मैं इसमें 2 डाल रही हूँ, आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। जो काला नमक मैंने रखा था उसे भी डाल दें, काला नमक डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। काली मिर्च को भी डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से पेस्ट पीस कर पेस्ट बना लेंगे। मैंने मिक्सी में पीस कर इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। अगर आपको ये थोड़ा गाढ़ा लगे तो आप इसमें पानी को भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल दे रही हूँ। ये हमारा मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा है, मैंने इसे थोड़ा गाढ़ा रखा है। मैं अगर इसमें टमाटर ऐड करूँगी तो जो हमारे टमाटर का जो पानी है वो अगर निकलेगा तो ये पतला पतला हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसे थोड़ा सा गाढ़ा रखा है। अब इसमें मैं टमाटर को डाल दूँगी, कटे हुए टमाटर को, घिसे हुए गाजर को भी डाल दूँगी, घिसे हुए प्याज को डाल दूंगी, धनिया के पत्ते को डाल दूंगी और इसे अच्छे तरीके से मिला लूंगी। इसे मैं अच्छी तरीके से फेंट ले रही हूँ। मैंने जितने इंग्रेडिएंट्स लिए थे मैंने इसमें सभी को डाल दिया है। अभी हमारा पेस्ट तैयार हो गया है, चलिए इसे हम फटाफट चीला बना लेते हैं। अगर आप वेट लूज कर रहे हैं तो ये चीला आपको बहुत ही मदद करेगा। इसे आप ब्रेकफास्ट में बनाकर खाएंगे तो ये बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं और तवे पे भी बना सकते हैं। नॉनस्टिक कढ़ाई में अगर इसे आप बनाएंगे तो ये बहुत ही कम तेल में बन जाएगा और तवे पे भी इसे आप बना सकते हैं। मैं आपको कढ़ाई में बनाकर दिखाऊंगी। ये चीला बहुत ही कम तेल में बनकर तैयार होता है। मैं इसमें 2 बूंद तेल डालूंगी और इसे ब्रश की सहायता से अच्छी तरीके से मैं मिला लूंगी। अच्छी तरीके से पतला लेयर करके फैला लेंगे और गैस के फ्लेम को बहुत ही धीमा कर देंगे। और ये चीला हमारा एक तरफ से पक चुका है, अब मैं इसे पलट दे रही हूँ और इसी तरीके से हम इसे दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। 1 से 2 मिनट में ये चीला बनकर तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से आप तवे पे भी बना सकते हैं, बहुत ही कम तेल में ये बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए हमारा चीला कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। इसी तरीके से हम तवे पे भी इसको बना लेंगे। इसी तरीके से हम तवे पे भी 1 से 2 बूंद तेल डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और चीले के घोल को इस पे डाल देंगे।
और इसे ढककर ही पकाएंगे। दूसरा चीला भी हमारा बनकर तैयार हो गया है, इसे मैं प्लेट्स में निकाल ले रही हूँ। इस ओट्स के चीले को आप बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। और ये बनकर कैसा तैयार हुआ है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।